चाइना के शंघाई शहर में लाल रंग की कार खरीदना और लाल रंग की कार चलाना दोनों ही गैर कानूनी है। नंबर दो, जापान में एक लाइट्स आउट नाम की फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री फुल्ली ऑटोमेटिक है, वहां पे एक भी इंसान ह्यूमन वर्कर है ही नहीं और ना ही कोई ह्यूमन सुपरवाइजर है। उस फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए रोबोट को रखा गया है और ये पिछले कई सालों से वहां पे बिना इंसान के चल रही है। नंबर तीन, हुआई कंपनी 2020 तक मैट 10 फोन को लॉन्च करने जा रही है। ये फोन में ड्यूअल डिस्प्ले होगी और ये फोन फोल्डेबल होगा। इस फोन को फोल्ड करने से ये फोन 8 इंच का हो जाएगा और बिना फोल्ड किए 16 इंच का फोन दिखेगा। इसमें 9.0 वर्जन होगा। इसका प्राइमरी कैमरा 40 मेगापिक्सल का होगा। इस फोन की बैटरी बैकअप 4500 mAh होगी और इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी आएगी जिससे 30 मिनट में आपका फोन फुल्ली चार्ज हो जाएगा। सैमसंग के बाद ये दूसरा फोल्डिंग स्मार्टफोन होगा। इस फोन में 5G टेक्नोलॉजी आएगी और इसकी डाउनलोडिंग स्पीड 6.5 Gbps होगी और इसकी अपलोडिंग स्पीड 3.5 Gbps में होगी। अभी तक इस फोन की कोई प्राइस डिक्लेयर नहीं की। नंबर चार, अमेरिका में 233 सुपर कंप्यूटर है और भारत में 11 सुपर कंप्यूटर है। उनमें से टॉप 1 पे सुपर कंप्यूटर है, वो है सहर्स टी और इस सुपर कंप्यूटर की प्राइस है $1.56 billion। इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी 2 petabyte है और इसका रैम है 5600 GB और ये सुपर कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा फास्ट है। नंबर पांच, महाराष्ट्र के सोलापुर में एक ऐसा प्लांट है जो कि वो कचरे में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये प्लांट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलापुर की पॉपुलेशन 10 लाख है और हर रोज 5000 टन कचरा उत्पन्न होता था। इससे पहले इस कचरे को पूना हैदराबाद हाईवे के लैंडफिल में फेंका जाता था। अब इस कचरे से बिजली उत्पन्न होती है। यहां से डेली 3 MW बिजली जनरेट होती है और ये बिजली महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 4 या 5 रुपए प्रति यूनिट बेचा जाता है। बहुत सी कंट्री ने पहले कचरे में से बिजली प्रोड्यूस करने की रिसर्च की थी लेकिन 5-6 महीने में फेल हो गई और भारत में ये प्लांट सक्सेस हो गया। नंबर 6, आसाम में कामख्या टेंपल है। इस मंदिर में योनि की पूजा होती है। यहाँ ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुराने मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव देवी सती का शव लेकर तांडव कर रहे थे, उसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और देवी सती का शव कटकर 51 हिस्सों में अलग अलग जगह पर कटकर गिरे। इसमें देवी सती की योनि और गर्भ इसी जगह पर गिरे जहां अभी कामख्या मंदिर है। 17वीं सदी में बिहार के राजा नारा नारायण ने यहां पे मंदिर बनवाया और यहां पे बहुत से लोग तांत्रिक विद्या को सीखने के लिए आते हैं और ये योनि 3 दिन के लिए रजस्वला भी होती है और उसके ऊपर सफेद कपड़ा भी रखा जाता है और वो खून से लाल हो जाता है और उस कपड़े को प्रसाद के रूप में सभी को टुकड़ा दिया जाता है। नंबर 7, यूके में सेल्फ ड्राइविंग कार सक्सेस हो गई है। ये कार बिना ड्राइवर की चलेगी और इस कार का नाम है रोबो कार, वर्ल्ड की पहली फास्टेस्ट रोबो कार जिसकी स्पीड है 282 km/h। ये रोबो कार डिसीजन मेकर है और ये कार सेंसर, GPS और कैमरे पे काम करेगी। नंबर 8, इन सभी कंट्री में यूट्यूब बैन है। ब्राजील, तुर्की, जर्मनी, लिबिया, थाईलैंड, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड पाकिस्तान। नंबर 9, एक गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग है। ये मेंढक अमेरिका में पाए जाते हैं। ये मेंढक इतने जहरीले होते हैं इसको छूने मात्र से भी किसी की मौत हो जाती है, इसीलिए इस मेंढक को सांप भी नहीं छूते। ये मेंढक बहुत छोटा सा होता है, इसकी लंबाई 2 इंच होती है और इस मेंढक का जो जहर होता है वो इनकी चमड़ी में होता है, इसलिए ये मेंढक पूरा जहरीला होता है और इनका जो जहर होता है वो बहुत सी दवाइयों में उपयोग भी होता है। नंबर 10, ये कासोवेरी बर्ड है।
ये बर्ड दुनिया में सबसे खतरनाक बर्ड है। ये बर्ड इंसान से भी नहीं डरते, बल्कि इंसान को उससे डरना पड़ता है। इस बर्ड ने फ्लोरिडा में 75 इयर्स ओल्ड फार्मर को सुबह सुबह अटैक करके मार डाला। ये बर्ड्स 6 फीट तक लंबे होते हैं और इनका वजन 150 किलो के आसपास होता है, और ये बर्ड ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।